कौन सी समस्या है आपको? समस्या यही है कि घर में जो है सके चेचक जो है ये सब जो है सके परेशान किए हुए है। अच्छा, कितना दिन से ये चेचक की समस्या निकल रही है यहाँ पे? एक महीना से। तो आपके घर में भी ऐसा केस देखने को मिला था? हाँ मिला था ना, करीब 10-12 बच्चे हैं, सबको सबको हो गया है। हाँ, सब। हमको चेचक निकल गया था और हमको बच्चों को भी निकल गया है पूरा। तो यहाँ पे कोई दवा व्यवस्था नहीं की है सरकार? नहीं। इसमें काफी परेशानी होती है। करपी प्रखंड के लोदीपुर गांव में 2 माह से लोग चेचक से हैं पीड़ित। चेचक पीड़ित किंटू कुमार को काफ़ी हो रही है परेशानी। कोई भी मेडिकल की सुविधा इस गांव में आज तक नहीं पहुंची है। यहां चिकन पॉक्स बोला जाता है, देहाती भाषा में हम लोग उसको माइजी बोलते हैं। जी जी। और उससे इस गांव में लगभग 30-40 आदमी ग्रसित है। जी जी। और इसी बीच में हम करपी गए थे जी, और वहाँ जो PHC प्रभारी है डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद जी जी, उनको भी मैंने बोला जी, और अभी तक कोई मेडिकल टीम जी इस बात पर यहाँ नहीं है, नहीं मिला, और लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है। तो अब सर आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को जो मेडिकल सुविधा हो, दवा हो, और उन लोगों का जो चिकन पॉक्स वाला मैटर है वो ठीक हो। मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि मैं होम्योपैथिक चिकित्सा से जुटा हुआ हूँ और मुझे इस संक्रमण बीमारी से होने वाले कष्ट का अंदाज़ा है। सरकारी हॉस्पिटल से संपर्क करने पर वहाँ के स्टाफ ने बताया कि हम लोग उस गांव में जा कर के दवा बांट चुके हैं, मगर ग्रामीणों का कहना है कि आज तक इस गाँव में कोई भी चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। हम और हमारा समुदाय यह चाहता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर हॉस्पिटल इंचार्ज वासुदेव प्रसाद जी के मोबाइल नंबर 99-344-63-398 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि यहां स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराई जा सके, और उन तमाम स्वास्थ्यकर्मी जो दवा बांटने का झूठा वादा कर रहे हैं उन पर अभिलंब कार्रवाई हो। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम लोदीपुर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।